पूर्ववर्ती क्लास रे हम माने आलोचना करथिलु शक्ति विषय रे बा एनर्जी विषय रे हमें पढ़थिलु गतिज शक्ति स्थितिज शक्ति आउ शक्तिर रूपांतर विषय रे आज हमें आलोचना करिबा पावर विषय रे किंतु ता पूर्वरु हमें शक्ति संरक्षण रो नियम जहाँ कि हमें पूर्ववर्ती क्लास रे पढ़ी सारचु तार प्रमाण करिबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को केमती प्रूव करा जाई परिवो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन थिला बा शक्ति संरक्षण रो नियम कौन थिला कि शक्तिर सृष्टि नहीं कि विनाश नहीं शक्ति तैयारी करा जाई परिवो नहीं कि ताकु ध्वंस करा जाई परिवो नहीं यह केवल गोटे रूपरु अन्य रूपकु रूपांतरित होइथाय गोटे रूपर शक्ति आ गोटे रूपर शक्ति को रूपांतरित हुए किंतु कांस्टेंट रहइबो शक्ति जति परिमाण रे शक्ति रहइबा कते सेति रहइबो विश्वर मोट शक्तिर परिमाण सर्वदा स्थिर अटे जेंति कि देखो आमे पढ़ते स्थितिज शक्ति और गतिज शक्तिर योगफल को कहुए यांत्रिक शक्ति माने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज शक्ति को इंग्लीश्रे कहुए पोटेंशियल एनर्जी प्लस गतिज शक्ति को इंग्लीश्रे कहुए काइनेटिक एनर्जी ए दुईटा को जब मिसेदेव आम पाइबा मेकानिकल एनर्जी यांत्रिक शक्ति स्थितिज शक्ति युक्त गतिज शक्ति समान यांत्रिक शक्ति बुझिपारे कि नहीं चलो ये तथ्य को आम प्रमाण करवा ये सब बड़े गोटे कन्स्टांट रख ধরা যাও আমাকে এই গোটে গ্রাউন্ড অছি গ্রাউন্ড মানে বুঝিপার তো ভূমি অছি ভূমি গোটে বল পড়ছি বা গোটে বস্তু পড়ছে এটি বস্তু হল তো বর্তমান মু কোন কলি তাকু না কিছু হাইট কু বা কিছু উচ্চতা কু নিয়ে গলি এই হাইট কু নিয়ে গলি এবে বস্তুটা কু বুঝিপার না এই হাইট কু নিয়ে গলি আর যেতিকি হাইট কু নিয়ে গলি তার পরিমাণ নেলি মু এইচ ধরা যাও মু তাকু এইচ উচ্চতা কু নিয়ে গলি एच मीटर उच्चता को नहीं गले मीटर सेंटीमीटर बा एच एकक उच्चता को मुताबिक नहीं गले एति उच्च को मुताबिक नहीं गले तो वर्तमान जेहेतु से किसी उच्च को गला से को शक्ति लाभ कर तुम कह स्थितिज शक्ति लाभ कर किसी उच्च वस्तु कौन कै स्थितिज शक्ति लाभ कै स्थित जत शक्ति गोटे वस्तु ता स्थिति विन्यास जो प्रकार शक्ति लाभ कैक कौन कह जाए स्थितिज शक्ति कह जाए चलो ये जो वस्तुटा अच्छी या पाखे स्थितिज शक्ति अच्छी बर्तमान मुझे कौन करी ना छाड़देवि छाड़देला कौन हम वस्तुटा तल को गली पड़ो कहीं माध्याकर्षण भाई बड़ प्रत्येक वस्तु को निज आड़ टाण तो ये वस्तुटा कौन हम ना तल को गली पड़ो गली पड़ला तार अवस्थान विभिन्न स्थान अलग अलग हम तार परेग भी अलग अलग हम बुझिपारे कि आसिकी ए तले धड़ाकना ये पड़ला तो आमको प्रमाण करने पड़ो जे ये शक्ति सृष्टि है कि विनाश है शक्तिर परिमाण सब स्थिर अच्छी जैसे परिमाण नहीं हवा कथा से अच्छी जी शक्ति अच्छी एटी भी सेको शक्ति अच्छी मझे जे जगह भी आम धरने से भी शक्ति से सेम अच्छी एक आमको प्रमाण करने पड़ो मन करवा यू वस्तु अच्छी यार वस्तुत्व एम एम वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु यहाँ बुझिपारे कि नहीं तो वर्तमान आम बाहर करते मुझे ये टेकी नेली एठी शक्तिर परिमाण के जगह शक्तिर परिमाण के आम बाहर करवा तो ये टोटाल मेकानिकल एनर्जी यांत्रिक शक्ति केमती बाहर तुम कह सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मान स्थितिज शक्ति प्लस काइनेटिक एनर्जी मान कौन गतिज शक्ति यही दुईटार जोगफल आम बाहर कर समुदाय शक्ति यांत्रिक शक्ति मेकानिकल एनर्जी आम बाहर करवा तो पोटेंशियल एनर्जी केमती बाहर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो एम जी एच पूर्ववर्ती क्लास रे आम प्रमाण कर सारे पोटेंशियल एनर्जी को केमती बाहर कराए एम जी एच एम माने वस्तुर वस्तुत्व जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बा माध्याकर्षण जनित त्वरण एच माने कौन उच्चता जी उच्च वस्तुटा अच्छे काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम भि स्क्वायर ये फॉर्मूला भी तुम्हें जाच बुझिपारे कि नहीं हाफ इंटु वस्तुत्व गुणन परिवेगर वर्ग काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला भी केमती डेरिवेशन करहब ताक भी मुझे पूर्ववर्ती क्लास रे बुझे देजी जो मैंने वीडियो देखिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा लिंक उपर क्लिक करके पूर्ववर्ती वीडियो देखिन जहाँ पड़े कि तुमको एसबू बुझापी सहज हम चलो तो वर्तमान एठी जो वस्तुटी अच्छी ये जगह मुझे धरिकी रखी एमती वस्तुटी एमती अच्छी तो एठी परिवेग केते से कौन गति करना परिवेग लाभ कर से तो स्थिर अच्छी ये जगह परिवेग मैंने जीरो बुझिपारे कि नहीं भी वेलोसिटी परिवेग ये जीरो भी जगह जीरो पकई दि एम जी एच प्लस हाफ इंटु एम इंटु जीरो रो स्क्वायर जीरो तेनाली हाफ एम इंटु जीरो स्क्वायर पूरा जीरो हो गला जीरो सागर जहाँ भी गुणब शून्य सागर जहाँ भी गुणब तुम्हें से शून्य करदेव ताको तो ये पूराटा शून्य हो गला एम जी एच सागर शून्य मिसेले सही एम जी एच प्लस शून्य
ସେମାନେ ଆମେ ପାଇବା ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାର ଶକ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛି? ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏବେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତଳକୁ, ଏବେ ସେ ଟ୍ରଙ୍କ ନା ଆସିକି ଖଚାକ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ବସ୍ତୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କ'ଣ ହେବ? ତଳେ ପଡ଼ିବନି ସେ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଗତିଜ ଶକ୍ତି ତ ତା'ର ଶୂନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଆଉ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଗତି କରିବ, ଏବେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା ବସ୍ତୁଟି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏବେ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ବାହାରିବ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଆମେ ବାହାର କରିବା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି, ବା ଆଗେ ଲେଖ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କେମିତି ବାହାରେ? ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେମିତି ବାହାରେ? ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ଏଚ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା, ଏ ବସ୍ତୁଟି କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି? ଏଠି ପଡ଼ିଲାଣି ବସ୍ତୁଟା ଆସିକି, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ନା ଏଠି? ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଏଚ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କାହିଁ? ଉଚ୍ଚତା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଗଲା ଶୂନ ହେଇ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏମ୍ ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଶୂନ, ଏଠି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ବସ୍ତୁଟା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ ଆଉ, ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଶୂନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ମିଶିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ, ତ ଆମେ ପାଇବା ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଗତିର ତୃତୀୟ ନିୟମରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଜି ଏଚ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏ ଏସ୍, ଟୁ ଏ ଏସ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ମାନେ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ବା ତ୍ୱରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ହେଉଛି ବା ତ୍ୱରଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ, ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ଜି। ଏସ୍ ମାନେ ଥିଲା ଦୂରତା, କେତେ ଦୂରକୁ ସେ ଯାଇଛି, ବିସ୍ଥାପନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ତା'ର, ବିସ୍ଥାପନ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଚ୍, ଏଚ୍ ଉଚ୍ଚତାରୁ ହିଁ ବସ୍ତୁଟା ଖସିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଏଚ୍କୁ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ୟୁ, ୟୁ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ଏଠି ତ ଶୂନ ଥିଲା ତା'ର ପରିବେଗ, କ'ଣ ଥିଲା ପରିବେଗ? କିଛି ନଥିଲା, ତ ଶୂନ ଥିଲା, ୟୁଟା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ, ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋର ସ୍କୋୟାର ସେମାନେ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଜି ଏଚ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଜି ଏଚ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଭି ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଟୁ ଜି ଏଚ୍, ହାଫ୍ ରହିଲା, ଏମ୍ ରହିଲା, ଭି ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଟୁ ଜି ଏଚ୍, ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟୁକୁ କାଟେଇ ଦିଅ, ଆଉ ପାଇବା ଏମ୍ ଜି ଆଉ ଏଚ୍, ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ଏଠି? ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ ଶକ୍ତି କେତେ ଥିଲା? ସେଇ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଶକ୍ତି କେତେ ହେଇଗଲା? ସେଇ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଦେଖ କେଇଟି ବି ବସ୍ତୁଟା ମଝିରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତୁମେ କହ ସାର୍ ଉପରେ ତ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ତଳେ ବି ସେତିକି ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏଠି ଖସିଲା ବେଳେ କେଇଠି ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ହେଇଯିବ କି କମ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେନି। ତ କେଇଟି ବି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଡମ୍ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କର, ଧରାଯାଉ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦିଅ ସି ଧରାଯାଉ, ଏଇଠି ବସ୍ତୁଟା ଖସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତା'ର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଉପରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଲା, ଏତିକି ଦୂରତାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା କେତେ? ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଟୋଟାଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏଚ୍, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏଚ୍। ତ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସି ଠାରୁ ତଳକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ରହିବ, ସି ଠାରୁ ତଳକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ବସ୍ତୁର? ଟୋଟାଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏଚ୍, ଏଉଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତା'ର? ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଡମ୍ ପଏଣ୍ଟ ସି ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ସିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ସିରୁ ତଳର ଦୂରତା କେତେ ହେବ, ତଳ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏଚ୍, ଆଉ ଏଉଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତା'ମାନେ ସିରୁ ତଳ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ହେବ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଧରାଯାଉ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଦଶ ମିଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଉଠୁ ଏତିକି ତିନି ମିଟର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ତିନି ମିଟର ଧରିନିଅ, ତାହେଲେ ଏଇ ସିରୁ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦଶ ମିଟରରୁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ତିନି ମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଦଶରୁ ତିନି ଗଲେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଥାନ୍ତା ସାତ ମିଟର, ଏଉଠୁ ଏତିକି ଥାନ୍ତା ତିନି ମିଟର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହିଲି। ତ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମିଟର, ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା।
तो वर्तमान सी बिंदु रे वस्तुटी पहुँचला पर तार टोटल एनर्जी केते हबो आमको बाहर करने पड़ो टोटल मेकानिकल एनर्जी बा जांत्रिक शक्ति तो टोटल जांत्रिक शक्ति केमती बाहर तुम्हें कह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिसेले माने स्थितिज शक्ति और जांत्रिक शक्ति को मिसेले पीई प्लस के ई माने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रो फॉर्मूला कौन एम जी एच एच केते एडी तुम्हें देखी कोई पारिबो ए तळ बिंदु रु ए सी बिंदु पर्यंत उच्चता केते उठे ती के तो उच्चता हबो बुझी पारछ कि नै उच्चता तो उठे ती तो एच जगह रे हमें लिखिबा एच माइनस एक्स बुझिपारल कहीं उच्चता एठी एच है कि नहीं पर टिके तलू खसी आ तो यूठ एति उच्चता हूँ एच माइनस एक्स रो तो पोटेंशियल एनर्जी जगह आम लिखा एम जी इंटू एच माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हो हाफ एम भी स्क्वायर तो पकाओ हाफ एम भी स्क्वायर हला तो भी स्क्वायर जगह आम के लिखिपर टू जी एच हला पूर्वर आम देखी सारे कहीं ना प्रारंभर तार बेग प्रारंभिक परेग के जीरो यू स्क्टा जीरो बुझिपाल भि स्क् जगह आम पक टू जी एच किंतु एच एट न लिखिकी आम एठ जो दूरता अच्छी एक्स ताकू व्यवहार करवा कहीं जाए से खसी बुझिपाल प्रारंभिक परेग यू ये जीरो अच्छी अंतिम परेग भि के आम जाणीने बुझिपाल ना तो एठ जो दूरता डिस्टान्स अच्छी ताकू आम लिखा एक्स बोली बुझिपाल तो आम पाइबा भि स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स ये सी बिंदु पर बुझिपाल ना तो वर्तमान आम पाइबा एम जी होल इंटू एच माइनस एक्स आम लिखाई तो एम जी सागर एच मिसा एम जी आउ एस को गुण तो आम पाइबा एम जी एच माइनस एम जी सागर एक्स को गुण तुम पाइब एम जी एक्स बुझिपाल एम जी सागर जो आम एच माइनस एक्स को गुणन कले आम पाइले एम जी एच माइनस एम जी एक्स बुझिपाल प्लस हाफ एम भि स्क्वायर हाफ एम भि स्क्वायर जगह आम लिखा के टू जी एक्स तो लिख भि स्क्वायर जगह लिख टू जी एक्स टू सागर टू कैनसल मार तुम पाइब एम जी एक्स तो मोट उपरे तुम पाइब एम जि एच माइनस एम जि एक्स और इट इज प्लस एम जि एक्स बुझिपाल ना नहीं बोल कि बुझ टे एम जि एच माइनस अच्छी एम जि एक्स प्लस अच्छी एम जि एक्स तो माइनस एम जि एक्स प्लस एम जि एक्स मरीज ये कटिजे तो आम पाखे खाली रोज एम जि एच बुझिपाल तो यही जगह सी बिंदु रे समुदाय शक्तिर परिमाण केव एम जि एच बुझिपार तो आम देखिले एटी उपरे जिते टोटाल शक्ति एम जि एच तले जो पहुँचला टोटाल शक्ति है से ही एम जि एच आ मझे जेकोसी बिंदु आम गोटे सी नहीं गले सेत भी तार टोटाल शक्ति अच्छी जांत्रिक शक्तिर परिमाण एम जि एच आवल यही बिंदु नुहे जेकोसी बिंदु तुम रैंडमली चूज करपरला कहीं सी तो आम रैंडमली जेकोसी बिंदु नहींचे ना किसी उच्चता मझी की सेमती किसी नहीं तो जेकोसी गोटे बिंदु आम नहींचे तो सेठारे भी आमर टोटाल शक्तिर परिमाण एम जि एच तो एथिरु कौन प्रमाणित तो हो शक्ति संरक्षण नियम शक्तिर विनाश होनी कि सृष्टि भी होनी शक्ति जी थी से रोची ये शक्ति एटी भी सेकी शक्ति मझे भी सेकी शक्ति बुझिपार तो चलो वर्तमान आम पावर पढ़ा वर्तमान आम पढ़ा कार्य कर हार विषय अर्थात पावर विषय पावर क्या कहुए कार्य कर हार को पावर बोली कहुए अर्थात जो हार कार्यटी संपादित हुए ता ही पावर देखो या आम गोटे एग्जांपल माध्यम रे बुझा देखो धर जो यहाँ आम पाखे गोटे शॉपिंग मॉल अच्छी तुम शॉपिंग मॉल को तो जाऊब शॉपिंग करने गाँ पिला माने जानी कि नहीं जानी मु टाउन रे शॉपिंग मॉल रो बहुत प्रादुर्भाव अच्छी ये गोटे शॉपिंग मॉल बहुत बड़ शॉपिंग मॉल है तो ये आम कौन करवा शॉपिंग करवा शॉपिंग करी धनी धनी लोक मैंने कौन करती ना तांको कार कार पार्किंग रे एडी रखंदी एडा होची कार पार्किंग जगह तो एडी समान निजो कार को रखी चंदी बुझी पल्ले कि नहीं तो वर्तमान दी जन लोक जाई चंदी गोटे बुढ़ा आ गोटे टोका माने गोटे अजा आ तारा नाती हला अजा आ नाती जाई चंदी एडी शॉपिंग करिया पई सुनु दुओ बोल कि वर्तमान अजा किछि जिंस किणी चंदी आ नाती किछि जिंस किणी जे होची नाती ये होची अजा
अजा जो ट्रॉली बैग टा धरचंती से ट्रॉली बैग रो वस्तुत्व होची 50 केजी वस्तुत्व विशिष्ट गोटे ट्रॉली बैग धरचंती नाति भी गोटे ट्रॉली बैग धरची तार भी से वस्तुत्व होची 50 केजी बुझी पार तो वर्तमान दी जण जाको 50 केजी ओजन रो गोटे गोटे वस्तु धरचंती अजा को भी कार पाक आसवर अच्छी नाति को भी कार पाक आसवर अच्छी तापर से घर को पलैबे ना तो वर्तमान कौन हो से माने इठू गोटे समय रे बाहर ले एका समय रे बाहर ले तो कही पर किए प्रथम पहुँचब ये प्रथम कार पाखे किए पहुँच अजा आगे पहुँचब ना नाति आगे पहुँच तुम्हें कह निजे नाति पहुँचब से टोकाटा दौड़ दौड़ पलैब शीघ्र अजा टी धीरे 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 जाइए बेसी समय लगे देख ये जो वस्तु अच्छी ये तो सामान वस्तुत्वर वस्तु दु जन पाखे अच्छी तेणु ये वस्तु को विस्थापित करने समस्ते सामान परिमाण कार्य करेंगे अर्थात ये अजा यही वस्तु उपर एफ परिमाण बल प्रयोग कले ये बल ए वस्तुटी घुंच एफ परिमाण बल नाति को भी से एफ परिमाण बल ही प्रयोग करने पड़ो जहाद्वारा डिस्टेंस तो सेम सपिंग मल रु कार पर्यटन जबार अच्छी तेरे जो दूरता सी तो सामान अच्छी अजा भी जी दूर जीव नाति भी से दूर जीव आम कार्य कमी बाहर करवा डब्ल्यू इक्वाल टू एफ इंटू एस करी है तो डब्ल्यू इक्वाल टू एफ इंटू एस तो नाति जी भी कार्य करुच्च अजा भी से कार्य करुच भाव कथाटा को नाति जी बल प्रयोग करुच्च अजा भी से बल प्रयोग करुच्च नाति जी विस्थापित करुच्च वस्तु को अजा भी से विस्थापित करुच्च से दूर जीवार अच्छी बल कहीं सामान पड़ू कहीं दुटा वस्तुर वस्तुत्व सामान अच्छी आ समान परिमाण रे बल पकेले जाई ही से विस्थापित हो तो बल समान अच्छे विस्थापन भी समान अच्छे अर्थात दु जन कार्य समान अच्छे डिफरेन्स कौटी आसला अलग कौन अच्छी तुम तो कह सर समय दु जन समपरिमाण कार्य तो करु अजा टी बेसी समय नहीं हो नाति टी कम समय नहीं हो कहीं नातिर पावर अधिका अच्छी अजार पावर कम अच्छी बुझिपारा नहीं जेहेतु अजा टी बेसी समय नौपाई अजा पावर कम नाति टी कम समय नौ अर्थात नातिर पावर बेसी अच्छी तो पावर केमती निर्णय करवा कार्य डिवाइडेड बाय समय करके बुझिपारे कि नहीं धरा जाऊ ये अजा 500 जूल कार्य कले 500 जूल कार्य करने सी ने 20 सेकेंड 500 जूल कार्य करने सी ने 20 सेकेंड तुम कहीपर अजा पावर केते बहुत ही इजी अजा पावर बाहर संपादित कार्य डिवाइडेड बाय समय कार्य कर 500 जूल कार्य से डिवाइडेड बाय टाइम नहीं 20 सेकेंड तो शून्य सागर शून्य कटिज 50/2 जूल पर सेकेंड बा 50 अधा लिखिप 25 जूल पर सेकेंड बात लिखिपर जूल सेकेंड टू दि पावर -1 है तो वर्तमान आम जापे अजा पावर के 25 जूल पर सेकेंड टू दि पावर -1 ये जो जूल सेकेंड टू दि पावर -1 ये हूँ पावर एकक है बुझिपार कि नहीं पावर केमती बाहर कार्य डिवाइडेड बाय समय कार्यर एकक कौन तुम कह सर जूल समय एकक कौन सेकेंड एस आई एकक कौन सेकेंड अर्थात पावर एस आई एकक बाहर जूल पर सेकेंड कौन बाहर जूल पर सेकेंड बामते लगे पर जूल इंटू सेकेंड टू दि पावर -1 अच्छा जड़े वैज्ञानिक अच्छा जेम्स व्हाट तांकरी सम्मानार्थे से जेहेतु ये पावर को बाहर करते आविष्कार करते सम्मानार्थे ये जूल पर सेकेंड को आम व्हाट बोली भी कहीपर व्हाट यार अर्थ हो एक व्हाट सम्मान एक जूल पर सेकेंड बुझिपार एक व्हाट सामान एक जूल पर सेकेंड माइंड रे पशु कार्य आ शक्ति भली पावर मध्य एक अदिश राशि आम जमी पूर्वर पढ़ी आस कार्य शक्ति ये दुटा हूँ अदिश राशि अदिश राशि मानने केवल परिमाण जनाजी केते परिमाण कार्य होते शक्ति प्रयोग करूँ दिग जना ना कौ दिग्वर प्रयोग होदिश राशि क्या कह जाए जार केवल परिमाण जना था कि दिग जना नए क्या कहुए अदिश राशि से भाई सदिश राशि कौन जार परिमाण आ दिग उभय जना था कि कार्य आ शक्ति भाया पावर दिग जना ना केवल परिमाण जना से ये भी हूँ गोटे अदिश राशि पावर एस आई एक व्हाट बा जूल पर सेकेंड तुम्हें कहींपर है
पावर एसआई एक कौन वाट एमती आम लिखि पार एक वाट समान एक जूल पर सेकेंड तुमको जदि कहगला परीक्षा जे एक वाट को डिफाइन कर बा एक वाट रो संज्ञा लेख तुम कौन लिखिबो लिखिबो जे एक जूल कार्य करने एक सेकेंड समय लगे पावर रो परिमाण को एक वाट बोली कहुए बुझिपारे कि नहीं एक जूल परिमाण रो कार्य करने एक सेकेंड समय लगे पावर रो परिमाण केते हबो एक वाट बुझिपारल जेहेतु वाटा बहुत गोटे सान एक कौचि पावर रो यार गोटे बड़ एकक अच्छी किलो वाट एक किलो वाट समान हजार वाट ये तुमको कहवा दरकार नहीं तुम्हें पूर्वर जाच जमीक एक किलोग्राम समान हजार ग्राम एक किलोमीटर समान हजार मीटर से बड़े एक किलो वाट के हम हजार वाट एक किलो जूल के हम हजार जूल बुझिपारे कि नहीं चलो कार्य करुवा गोटे वस्तुर पावर समयानुसार बदली पाए है समयानुसार गोटे वस्तुर पावर बदली पाए धर जो वस्तु यही सरल रेखा किसी कार्य संपादित करुच्छे तो प्रथम दस सेकेंड रे से 500 जूल कार्य संपादन कला तापर जो 10 सेकेंड अच्छी से 400 जूल कार्य संपादन कला तापर जो 10 सेकेंड अच्छी से 600 जूल कार्य संपादन कला बुझिपारे कि नहीं तो देख ये समान समय अंतराल तार कार्य संपादन कम बेसी कार्य संपादन बदली जाऊँच ताने पावर भी ये कम बेसी यही 10 सेकेंड रे पावर आम पाखे हम के 5×10 कले 50 वाटर पावर एटी देखो यही 10 सेकेंड रे केते पावर आसो तुम कह 400×10 तेना 40 वाटर पावर ये अच्छे यही 10 सेकेंड रे देख एटी पावर के हम एट P1 P2 P3 देखो यही 10 सेकेंड रे पावर के हम तुम कह कार्य जी संपादित डिवाइडेड बाय जी समय 600×10 कर 60 वाट देख ये पावर कम बेसी होतीपाई ये लिखाई है कार्य करुवा गोटे वस्तुर पावर समयानुसार बदली पारे अर्थात गोटे वस्तु अलग अलग समय व्यवधान में अलग अलग हार रे कार्य संपादन करे माने तार पावर भी अलग अलग हम सेतेबेले कार्य करुवा वस्तु बा कारकटीर हाराहारी पावर निर्णय करा जाए तो यही समय रे हाराहारी पावर केमती निर्णय करा जीवो देखो ना मोट संपादित कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय हला तो ये क्षेत्र में पावर केमती निर्णय कर देखो मोट संपादित कार्य टोटल केते कार्य संपादित होला एटी 50 एटी देखो एटी 500 जूल एटी केते 400 जूल एटी होउछि 600 जूल मोट संपादित कार्य केते हबो 500 400 आ 600 को मिसै देबो 400 600 ले 1000 1000 संगे 500 मिसैले 1500 जूल तो टोटल हबो 1500 जूल रो कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय केते कहिले देखिया 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड तीनटा 10 सेकंड माने 30 सेकंड तमने 50 वाट तो ये हूँ तुम हाराहारी कार्य बुझिपाल हाराहारी पावर बुझिपाल हाराहारी पावर केमती बाहर मोट संपादित कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय ये मोट संपादित कार्य केमती जानवा ना प्रथम 10 सेकेंड रे संपादित कार्य द्वितीय 10 सेकेंड रे संपादित कार्य तृतीय 10 सेकेंड रे संपादित कार्य ये तीनटा हूँ मोट संपादित कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय के तीनटा 10 सेकेंड अच्छी 30 सेकेंड टोटाल तो मोट संपादित कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय देले आमको हाराहारी पावर मिल जाव हाराहारी पावर रो सूत्र हूँ मोट संपादित कार्य डिवाइडेड बाय मोट समय बाकी आम एमती लिखि दे पार मोट नियोजित शक्ति डिवाइडेड बाय मोट समय कहीं लिखिली मोट नियोजित शक्ति अरे कार्य करिवार क्षमता को ही तो शक्ति बोली कह जाए बुझिपारे कि नहीं शक्ति आ कार्य भितर पारस्परिक संबंध रही से दुटा इंटरचेंज हो पारे दुजर एकक भी सामान शक्तिर एकक भी जूल कार्यर एकक भी जूल है तो देख मोट संपादित कार्यपाई जी शक्ति लगे मोट नियोजित शक्ति क्या कथा नुह तो मोट नियोजित शक्ति डिवाइडेड बाय मोट समय एमती भाव में हाराहारी पावर निर्णय कर बुझिपार चल आग को जी तो बर्तमान आम बुझा शक्तिर व्यावसायिक एकक कमर्सील यूनिट अफ एनर्जी विषय में देख शक्तिर एकक कौन तुम जान जूल जूल रि आगे बड़ करवा किलो जूल हो बहुत परिमाण में शक्ति थी केमती मापिया जूल तो बहुत ही सान एकक ना से बहुत परिमाण शक्ति को मापापी आमको गोटे बड़ एकक दरकार है
तो सही एकक को आमे कहे किलोवाट घंटा ये लिखाई एक जूल परिमाण शक्ति अत्यंत कम हो बेसी परिमाण शक्ति को सुविधापाई एक बड़ एकक प्रकाश करा जाए सही बड़ बड़ एकक हूँ किलोवाट घंटा है तो या बुझापी गोटे एक्जामपल नि जाऊ आम पाखे एमती गोटे मेसीन अच्छी जार पावर हूँ एक किलोवाट जे केते वाट हजार वाट है एक किलोवाट जे हजार वाट आम पाखे एमती गोटे मेसीन अच्छी जार पावर हूँ हजार वाट तो देख कार्य करने प्रति सेकेंड रे हजार जूल शक्ति दरकार हजार जूल शक्ति दरकार प्रति सेकेंड रे वर्तमान ये मेसीनटा गोटे घंटा कम करने टाइम दरकार गोटे घंटा कम करने जी परिमाण शक्ति आवश्यक कराकूब एक किलोवाट घंटा बुझिपार आम पाखे एमती गोटे मेसीन अच्छी इमाजिन कर जार पावर हूँ हजार वाट बा एक किलोवाट बुझिपार कि नहीं तो ये कार्य करने प्रति सेकेंड रे हजार जूल शक्ति आवश्यक करदि से मेसीन को आम गोटे घंटा पर्यंत कार्य करेले जी परिमाण से मेसीन टा शक्ति आवश्यक कराकूब एक किलोवाट घंटा शक्ति आवश्यक करें एक किलोवाट घंटा को छुटिया यूनिट रे परिणत करिया माने जूल रे परिणत करिया देखिए केते बाहर छि तो देखो आम पाखे अच्छे एक किलोवाट घंटा या एमती लिखिप एक किलोवाट इंटु एक घंटा मुझे तुमको कौन कहली एक किलोवाट पावर विशिष्ट मेसीन टा एक घंटा चलने जी परिमाण शक्ति आवश्यक हुए ताकूँ कह जाए एक किलोवाट घंटा बोली तो आम लिखिद एक किलोवाट इंटु एक घंटा एक किलोवाट जे केते वाट तुम कह सर हजार वाट से बड़े एक घंटा जे केते सेकेंड एक घंटा जे 3600 सेकेंड केते सेकेंड 3600 सेकेंड एक घंटा जे 60 मिनिट एक मिनिट जे 60 सेकेंड तेणु एक घंटा बाहर 60 इंटु 60 माने 3600 सेकेंड बुझिपारे कि नहीं देख 3600 सांगे हजार गुण 3600 रहा गुणन करवा हजार वाट इंटु सेकेंड बुझिपारे कि नहीं वाट इंटु सेकेंड हो जूल तो आम लिखिले 36 गुण न के शून हो गला 1 2 3 4 5 आम लिखी दीपा 36 गुण 10^5 वाट इंटु सेकेंड के जूल कहीं आम पूर्व जाने एक वाट इंटु सेकेंड सामान एक जूल सहित तो सामान हुए बुझिपार ना नहीं चलो तो बर्तमान या प्रामाणिक रूप से लिखिले 36 को लिखा 3.6 × 10 एमती लिखिपर कि नहीं अरे सेम जिन नुहे कि 36 नुहे कि 3.6 10 गुण देना 36 ही जीवन कि 10 मिनट गोटे आग को पड़े आसो तो मुझ 36 जगह लिखिले 3.6 × 10 इंटु लिखिली मुझ 10^5 जमी अच्छे तुम्हें बुझ खाली जो मुझ 36 जगह केवल 3.6 × 10 लिखी आउ कि चेंज करनी जूल एबे देखो ये 3.6 × देख 10^1 ये 10^5 आधार दुटा सामान अच्छी घाता दुटा कौन हो जग हो ऑब्वियसली 10^5 आ गए 10^1 तेने 10^5 + 1 मैंने 10^6 हो गला एक रचटा शून तांगे आउ गए शून मिसीगला तो एक रोटा शून मैं 10^6 जूल तो आम ये कौन जानले जे एक किलोवाट घंटा सामान 3.6 × 10^6 जूल बुझिपार कि नहीं चल ए गोटे क्वेश्चन तुमको मुझे धर जाऊ गोटे बल्ब अच्छे आम पाखे 60 वाट्र बल्ब से बल्बर पावर हूँ 60 वाट ताकि प्रत्येक दिन 6 घंटा जाली ताले केते किलोवाट घंटा पावर केते किलोवाट घंटा शक्ति मोर नष्ट हो देख मो पाखे जो बल्ब अच्छी ताकू मुझे 60 वाट पावर बल्ब ताकू मु प्रतिदिन जाली 6 घंटा ताने टाइम हूँ मोर 6 घंटा बुझिपार ना नहीं 60 वाट पावर बल्ब को प्रत्येक दिन 6 घंटा जाली ताने प्रत्येक दिन मोर केते शक्ति नष्ट हो से विषय देखिए ताले देखो आमे जानीचे पी इक्वाल टू डब्ल्यू बाय टी पावर समान कार्य बाई समय एबे जो टी टा हरण हो जार पाक गले गुणन हो तो मुझे लिखिदेवे पी गुणन टी समान डब्ल्यू बामे एमती लिखिपर डब्ल्यू इक्वाल टू पी इंटू टी तो ये आम के शक्ति खर्च होमती जाना तो आम बाहर करवा डब्ल्यू इक्वाल टू पी इंटू टी पी जगह के पकेबा 60 वाट आउ टी जगह के पकेबा 6 घंटा बुझिपारे कि नहीं तो वर्तमान ये जो 60 वाट अच्छी आपको आम किलोवाट रे लिखा जमती कि तुम्हें जान एक किलोवाट जे 1000 वाट ताने 60 वाट जे
केते किलो वाट हबो नुंगे सर 60 डिवाइडेड बाय 1000 कर देबा 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलो वाट हि दिबो इनटू 6 आवर 60 डिवाइडेड बाय 1000 करो सुनो सुनो कटिगला 6 डिवाइडेड बाय 100 किलो वाट ताने 0.06 किलो वाट इनटू 6 आवर 6 6 हिजबो 36 ताले 0.36 किलो वाट घंटा हला तो गुटे दिन को सही बल्ब द्वारा मोर केते शक्ति खर्च हो जाऊ जी 0.36 किलो वाट घंटा बाकू यूनिट बोली भी कोई परिवो गुटे यूनिट कॉस्ट तमे कोई परिवो तो वर्तमान हमें लिखि पारे 0.36 यूनिट बुझी पारछो कि नहीं चलो तो आजर क्लास को हमें एटी सारीबा धन्यवाद।